जकारा श्रावणी दा बोल सांगे दरबार की जय। हेलो गाइस, मनु दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और टंकी राइट्स। सो सबसे पहले आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 9 डे नवरात्रि का और आज हम कंजक बिठाने जा रहे हैं। हम नवमी पे बिठाते हैं और माता रानी को सामने सजाया हुआ हमने, देखिए। और इधर है खेतरी, अच्छे से दिखाता हूँ। तो देखिए, ये है माता रानी का दरबार और ये अखंड ज्योत जो प्रज्वलित हुई है। और अभी आरती हम करेंगे और इधर राधा कृष्ण जी बैठे हैं, इधर बजरंगबली बैठे हैं और इधर है खेतरी। और इस बारी मैंने खेतरी में एक नई चीज नोटिस करी है कि मैंने ड्रॉपलेट्स देखे हैं खेतरी के। जो ये पत्तियां उगी हैं इसके अंदर मैं आपको ड्रॉपलेट दिखाता हूँ, क्या आप ड्रॉपलेट देख पा रहे हैं? ये देखिए, ये छोटे छोटे ना ड्रॉपलेट्स है काफी सारी पत्तियों के ऊपर। ये मैंने फर्स्ट टाइम नोटिस करा है और ये काफी सारी पत्तियों के ऊपर है। मतलब अगर आप देखेंगे इसके अंदर ध्यान से तो काफी सारी पत्तियों के ऊपर मैंने ड्रॉपलेट्स नोटिस करे छोटे छोटे, और ये मैंने फर्स्ट टाइम नोटिस करा है इस बारी। सो इस बारी के नवरात्रे बहुत ही ज्यादा अच्छे गए, शुभ गए मैं कहूंगा, क्योंकि इस बार नवरात्र में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई है मेरे साथ। और आपको पता ही होगा, जैसे नवरात्रों के टाइम जब आता है तो हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, सब करते हैं। और ये इधर है दुर्गा सप्तशती। बिलीव मी गाइस, जो ये दुर्गा सप्तशती की हमारे पास पुस्तक है, ये ऑलमोस्ट 40-45 इयर्स ओल्ड है और इसे बहुत ही संभाल के हमने रखा हुआ है। लेकिन फिर भी मतलब इतना ओल्ड होने की वजह से थोड़ी पुस्तक ऐसी हो गई है। ये मेरी दादी के द्वारा शुरू करी गई थी और अब हम इसे हर नवरात्रि तो पढ़ते ही पढ़ते हैं और पापा हर रोज भी इसका पाठ करते हैं। और इसको पढ़ने का भी एक तरीका होता है पूरा का पूरा, जो कि मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा फॉर श्योर। और इसका पाठ आज कंप्लीट हो चुका है तो उसका भी भोग लगाएंगे हम। और आज माता रानी के लिए बनता है छोले हलवा और पूरी, जिसका भोग अभी हम लगाएंगे। बस कुछ ही देर में पूरी छोले और हलवा तैयार होके आने वाला है और फिर हम भोग लगाएंगे माता रानी को उसका। उसके बाद हम बिठाएंगे कंजक और कंजक अभी आने वाली है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का। तो हाय पलक, तो आप क्या बना रहे हो? हलवा ऑन प्रोसेसिंग। और साथ में क्या बन रहा है? इधर बने हैं चने और चने के साथ तो ये इसके लिए पानी गर्म कर रहे हो। ओ, ये पानी कैसा है? हा? पानी कैसा है ये? इसमें चीनी है ना। अच्छा, सो यू पुट लाइक वाटर बाद में। ओके okay, कौन आया है? पूरब, हेलो, कैसे हो सब? एक चम्मच और दे, दूध दे देता हूँ। अरे ले ले, अच्छा ले। और किसको क्या दूँ? पूड़ी चाहिए किसी को? पूड़ी चलो, आ रहे अभी आपको चाहिए पूड़ी? चलो वो देख तेरी फ्रेंड आ।
हेलो हेलो ओ जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय हो जय हो जय हो चलो थापी दो इधर दे देंगे पीओ पूरब को दे देंगे ये लो सो का है लो ये पीओ और पूरब के ओके 50 पीओ के 50 पूरब के पीओ ऐसे करो आशीर्वाद दो हेलो इनाया के वेरी नाइस जय माता दी अरे कृष्णा वो कौन आया भाई एक इसको अरे कुछ ये दुनिया बाय जा रहे हो बाय बाय वो सो फाइनली एवरीथिंग इज डन कंजके बैठ चुकी है और सब कुछ अब हो चुका है वाज एन अमेजिंग मॉर्निंग फॉर मी और आज मेरा 9th फास्ट इसी के साथ ओवर होता है अब मैं अपने नवरात्रि कंप्लीट करके अपना मतलब व्रत तोड़ूंगा क्योंकि 9 days का मेरा व्रत था मैं वो तोड़ूंगा आज फाइनली आफ्टर 9 days मतलब 8 days आज 9th है आई एम हैविंग दिस मुझे 9 दिनों में बहुत कुछ ऐसा फील नहीं हुआ अलग अलग क्या है मुझे भूख लग रही है इस चीज़ की मुझे हो रहा है कुछ रोटी खानी है बहुत फुलफिलिंग थी इट इज और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है सबको सबके बाद एंड आई गेस ये जो रिलीजियस फीचर है ना हमारे इंडिया में दिस इज वेरी यूनिक और मुझे इससे कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा पसंद है सो मिलता हूँ अगले व्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ अंटिल नेक्स्ट वीडियो टाटा बाय बाय विल मीट यू सून बाय जय माता दी रंगी राइट मन्नू भैया थैंक यू बोलो जरूर सब्सक्राइब करो हमारा चैनल प्लीज नीचे बटन है उसको सब्सक्राइब का बटन दबाओ और लाइक करो और लाइक करो शेयर करो और शेयर करो और कमेंट करो और कमेंट करो ओके बाय ओके बाय हैप्पी नवरात्रि Thank you.